Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 8 और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियसली हमने वीडियो में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस देखे, क्या रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है, कैसे डीएनए कॉपी होता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम आगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिवाइड होते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे यूज, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो सिंपल आपका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो यूज करते हैं आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड आपके लोअर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपका अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, आपके बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड होते हैं। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे ये सभी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें लर्न करना है ये सभी डिफरेंट मेथड। फिशन, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, पढ़ेंगे आगे। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग आपने जरूर 8th में भी पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा में एंड बडिंग आपका ईस्ट में। रीजनरेशन जो हम देखेंगे आपके प्लेनेरिया में और लिजर्ड की टेल में जो रीजनरेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है आपका, आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ सीड, और ये भी आपने पढ़ा होगा ब्रायोफिलम, लीफ में, लीफ से ही बेबी लीव्स आ जाती है, पटाटो से, पटाटो आई से न्यू पटाटो ग्रो कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो कि आपके फंगस में देखा जाता है। तो ये सभी मेथड्स को हम तीन तीन करके दो वीडियोज में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका बाइनरी फिजन, जैसे हम कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं बाइनरी लैंग्वेज, है ना, 0 एंड 1, तो उसी तरह से बाइनरी मींस दो पार्ट में डिवाइड करना, फ्यूजन मींस डिवीजन, डिवाइड करना, दो वर्ड होते हैं फ्यूजन एंड फिशन। तो फ्यूजन मतलब दो, जैसे हमने पढ़ा था ना मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना, तो यहाँ क्या है फिशन मतलब डिवीजन होना, डिवाइड होना। तो बाइनरी फिशन क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली हमने सभी वर्ड्स को ब्रेक करके समझ लिया, तो बाइनरी मतलब दो, फिशन मींस डिवीजन, डिवाइड होना, और कितने पार्ट्स में डिवाइड होना, दो पार्ट्स में डिवाइड होना। तो सिंपली बाइनरी फिशन आपका वो एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में। तो जैसा कि हमने बाइनरी फिशन इन अमीबा में हम देख रहे हैं, तो ये कैसा होता है, क्योंकि बाइनरी फिशन के भी तीन टाइप होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला तो बाइनरी फिशन इन अमीबा हो गया, एक अमीबा डिवाइड हुआ इनटू टू अमीबा डॉटर सेल, तो वही हुआ सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और आपको क्या मिला, दो डॉटर सेल्स मिली। अब यहाँ अमीबा में जो डिवीजन हुआ है वो कैसा है, अनइक्वल डिवीजन, ऐसा नहीं है प्रॉपरली कोई ऐसे स्केलिंग करी गई है इतना साइटोप्लाज्म में जाएगा ऐसे, तो यहाँ अनइक्वल साइज के डॉटर सेल्स बनते हैं। तो फर्स्ट इज अनइक्वल बाइनरी फिजन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। सबसे पहले याद रखेंगे बाइनरी फिजन क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, तो आप देखो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं अनइक्वल या इरेग्युलर बाइनरी फिजन जो किसमें होता है, आपके अमीबा में होता है। सेकेंड हम देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, या फिर आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, आप देख रहे हो बीच में से ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल्स बना दिए, तो ये आपका कैसा कहलाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो किसमें होता है, पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम आपका एक प्रोटोजोआ है। थर्ड टाइप आपका है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ऐसे वर्टिकल कट लग रहा है, आप देखो
ये क्या है आपका? लिश्मानिया। तो लिश्मानिया आपका एक ऑर्गेनिज्म है जो लिश्मानियासिस कॉज करता है ना। डिसीज का नाम है लिश्मानियासिस। लिश्मानिया एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन देखे। पहला है इरेग्यूलर या अनइक्वल बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा। सेकेंड है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। थर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, जिसका एग्जाम्पल है आपका लेशमानिया। फिर आते हैं आपके बाइनरी फ्यूजन में ही एक एक्सेप्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन में हमने क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स बना रहा है, और किस तरह से बना रहे हैं वो भी हमने टाइप्स देख ली। बट एक टाइप का फ्यूजन, क्योंकि हमने फ्यूजन में सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन पढ़ा, उसके तीन टाइप्स पढ़े। अब आते हैं आपका फ्यूजन में ही एक और टाइप, मल्टीपल फ्यूजन। तो फ्यूजन तो हो रहा है, मतलब डिवीजन तो हो रहा है, बट कैसा हो रहा है? मल्टीपल, एक सेल थाउजेंड ऑफ सेल्स बनाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो किसमें हो रहा है, ये प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो क्या कॉज करता है आपका? मलेरिया कॉज करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक सेल मल्टीप्लाई हुआ थाउजेंड ऑफ सेल्स में, और थाउजेंड ऑफ डॉटर सेल्स बनाए। होगा वही न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये सभी जो हमने पढ़ा, ये क्या थे? फ्यूजन के टाइप्स। तो फ्यूजन में सबसे पहले देखा बाइनरी फ्यूजन, इसके तीन टाइप्स, और मल्टीपल फ्यूजन जिसमें हमने एग्जांपल देखा प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट मेथड में आते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़े, पीसेस। तो इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या पीसेस, और हर एक पीसेस या हर एक फ्रेगमेंट में इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सके। तो आप वही देख रहे हो, एक पेरेंट सेल है, उसके तीन पीसेस हो गए, और हर एक तीन पीस अपने आप को ग्रो करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो ये आपके सभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सेल बहुत सारे सेल्स हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि एक सेल अलग हो गया तो एक सेल से पूरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। हार्ट है, उसका काम सर्कुलेशन में है ना, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा। लंग्स है, उसका काम रेस्पिरेशन में है। किडनी का काम एक्सक्रीशन में है। तो ऐसा नहीं कि किडनी का कोई सेल ब्रेक हो गया या डैमेज हो गया तो उस वहां पे एक और नई किडनी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को में हमने क्या समझा कि जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक हो गई डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या पीसेस में, एंड ईच फ्रेगमेंट या पीस इज एबल टू ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो फ्रेगमेंटेशन क्या प्रोसेस है, ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑन मेच्योरेशन। जब ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो गया तो उसकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, तीन या चार जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो गई स्मॉलर पीसेस में, एंड ईच पीस डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में बन गया। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका स्पाइरोगाइरा, जिनमें ये डिवीजन होता है, आपके एल्गी जिनमें हम ये देख रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन कब होता है, याद रखेंगे, जब एक ऑर्गेनिज्म मिच्योर हो जाएगा तब वो अपने आप को टू या थ्री या मोर पीसेस में डिवाइड कर लेगा, और हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। थर्ड मेथड है आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, देखो, रीजनरेट, जनरेट करना मीन्स कोई चीज सिंथेसाइज करना, री मीन्स अगेन, दोबारा सिंथेसाइज करना। तो किस चीज को सिंथेसाइज करना, किस चीज की रीग्रोथ होना है? सिंपली लॉस ऑफ अ पार्ट एंड जनरल प्रोसेस ऑफ रीग्रोथ। जो पार्ट लॉस हो गया है, नहीं रहा, अब उसे वापस बना लेंगे। तो जैसे कि प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट वॉर्म है। तो प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म मीन्स प्लेटीहेलमिंथ्स में आता है। आपका प्लेनेरिया क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि मेच्योरेशन में ये कट हो गया,
सिंपली रीजनरेशन में क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है रीजनरेशन। जो लॉस्ट पार्ट है, जो डैमेज्ड पार्ट है, मिसिंग सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्हें रिप्लेस करना एंड जो एंटायर बॉडी को बना लेना। जैसे कि आप देख रहे हो प्लेनेरिया में 3 पीस में कट हो गया। अब एक्सीडेंटली हुआ, इंटेंशनली हुआ, अनइंटेंशनली, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 जो पीसेस हैं, ये 3 पीस केपेबल है लॉस्ट पार्ट को बनाने के लिए। अब आप देखो फर्स्ट में लॉस्ट पार्ट क्या है, ट्रंक एंड टेल, ऐसा ही है ना। ये है हेड, ये है ट्रंक रीजन, ये है टेल रीजन। तो हेड में ट्रंक और टेल नहीं है तो वो बन जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रंक रीजन हेड और टेल नहीं है तो हेड और टेल बन जाएगी। टेल प्रेजेंट है, ट्रंक और हेड नहीं है तो वो बन जाएगा। तो ये आपके 3 डॉटर प्लेनेरिया बन गए। तो रीजनरेशन में सिंपली क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं हम मिसिंग पार्ट्स को, मिसिंग टिश्यूज या सेल्स को। जो पार्ट नहीं है उसे वापस ग्रो कर लेंगे। तो ये ऐसा होता है आपके रीजनरेशन में। ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है आपका प्लेनेरिया, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं। फिर एक आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं लिजर्ड का। ये ट्रू रीजनरेशन नहीं है बट इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। क्योंकि जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ जो है टूट गई, कट गई लड़ाई में किसी भी तरह से, तो अब ऐसा नहीं है कि पूंछ से बॉडी आ जाएगी, छिपकली बन जाएगी। नहीं, जो आपकी पूंछ जहाँ से टूट गई है, कट हो गई है, वो वापस से रीग्रो हो जाएगी, लॉस्ट पार्ट वापस आ जाएगा। तो ये ट्रू रीजनरेशन नहीं है बट इट्स अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। और ट्रू रीजनरेशन किसमें प्रेजेंट है, आपके प्लेनेरिया में। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो प्रोलिफेरेट होते हैं, मींस डिवाइड होते हैं, और रिप्लेस पार्ट को और डैमेज पार्ट को रिप्लेस कर लेते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीजें, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो ये तीनों प्रोसेस को आज हमने पढ़ लिया है। ये क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम बचे हुए 3 डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।